अगर आप खड़े हुए हैं इस एरिया, इस पार्ट्स को बोलते हैं फोर कोर्ट एरिया। फोर कोर्ट एरिया इसलिए कहा जाता है, इसमें फोर गार्डन है सर, फोर एंट्री गेट है। फर्स्ट गेट है वेस्टर्न गेट है, जो लोकल पब्लिक गेट है, जितने लोकल पब्लिक आता है सर इसी गेट से आता है। शाहजहां की फर्स्ट वाइफ फतेहपुरी बेगम, तो फतेहपुरी गेट के नाम से जाना जाता है। सेकंड गेट है आपका साउथ गेट है, वो लेबर गेट है, जो 20,000 जो लेबर ताजमहल में काम करती है डे एंड नाइट, वो इसी गेट से आती है, इसी गेट से जाती है, इसे लेबर गेट कहा जाता है। थर्ड गेट है सामने वाला, वो ईस्ट गेट है वीआईपी गेट, जो भी वीआईपी वगैरह आता है सर उसी गेट से आता है। शाहजहां की सेकंड वाइफ अकबरी बेगम, तो अकबरी गेट के नाम से जाना जाता है। ये फोर्थ गेट है सर, मेन एंट्री गेट है नॉर्थ गेट, ये रॉयल गेट है, शाही दरवाजा है। इस गेट की हाइट है बॉटम से लेकर टॉप तक 105 feet अबाउट 35 meters। आप इसमें स्मॉल स्मॉल डोम देखेंगे टॉप पे व्हाइट कलर का जी, आप काउंट करेंगे सर कितना डोम है। टाइम पे कोई कैलेंडर कंप्यूटर पूरा नहीं हुआ करता था, तो एक साल में एक डोम कम्प्लीट, दो साल में दो डोम कम्प्लीट, तो ग्यारह डोम आगे ग्यारह डोम उसके जस्ट पीछे। ताजमहल स्टार्ट हुआ 1631 में, ताजमहल कम्प्लीट हुआ 1653 में, टोटल 22 ईयर्स लगा था, टोटल 22 डोम्स बनाया गया यादगार का मेमोरी। इसके जस्ट नीचे देखिए अरबिक लेटर है जी, ये हॉलीबुक कुरान की आयतें हैं जो व्हाइट मार्बल के अंदर फिक्स करा गया ब्लैक ऑनिक्स जी जी। इसके जस्ट नीचे देखेंगे ये कोई कलर्स नहीं है, कोई पेंट्स नहीं है, सब रियल 70% जेम स्टोन्स है जी, जो व्हाइट मार्बल के अंदर कटिंग करके सारे स्टोन्स को फिक्स करा गया था जी। इस वर्क को बोलते हैं इनले वर्क। तो ये मेन एंट्री गेट है, यहाँ से आपको ताजमहल का व्यू आएगा बहुत अच्छा। यहाँ से आप ताजमहल को जब एंट्री करोगे तो इसको रोल गेट से, तो आपको ताजमहल पूरा बिग फॉलो करो, ये ताजमहल आपको बिग 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 दिखेगा पूरा आर्च गेट जी जी जी। जितना आप आगे चलता होगा ताजमहल पूरा कवर करते हैं आपको मार्बल, नहीं मार्बल था सारा हाथी घोड़ा ऊंट गाड़ी से मार्बल आया गया था सर जी। तो इस ताजमहल की जो हाइट है बॉटम से लेकर टॉप तक 243 feet है, अबाउट 81 meters है। इसमें फोर मीनार है, टू मीनार लेफ्ट में, टू मीनार राइट में, इनकी हाइट है 161 feet है। ये मीनार आपको सीधा दिख रहा है, झुका हुआ दिख रहा है जी, उस तरफ झुका दिख रहा है राइट साइड, चारों मीनार ऐसे झुका हुआ बाहर की साइड 2 degrees जी आउटसाइड। क्यों सर? इसलिए झुका हुआ है, इसके जो मेन जो आर्किटेक्ट थे बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थे, उनका नाम था मोहम्मद ईसा उस्ताद उफिंदो, जो फ्रॉम तुर्की से थे, जिन्होंने पूरा ताजमहल का नक्शा दिया था। उन्होंने फ्यूचर तक की सोच के चली थी, कभी भी आगरा में भूकंप अगर आए तो चारों मीनार बाहर की साइड गिरे, अंदर की नहीं गिरे, तो अंदर में क्या मुमताज का कब्र है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसी तरह डोम है ना, डोम को वो टॉप पे देखे मेटल का ब्रास पेनिकल का जी, वो आपको कितने फीट का लगता है हाइट? ओनली ब्रास डोम को वो टॉप वाला जो कार्बन पास फुट, बिल्कुल बिल्कुल जी जी। वो मुगल टाइम में गोल्ड का था, जो ब्रिटिश आया गोल्ड लेके गए, ये ब्रास कला हुआ, ब्रिटिश ने गोल्ड लेके गया, बिल्कुल सर बिल्कुल। तो ये व्हाइट टैंक है, ये सेंटर पॉइंट बोलते हैं, सेंटर टैंक चारों साइड के बीचों बीच में एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट बोला है जी। ये रोल गेट है ना, ये रोल गेट का जो डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस ताजमहल का जी। ये छोटा सा बिल्डिंग है, इसका जो डिस्टेंस सर इस बिल्डिंग क्या क्या किस किस बिल्डिंग है? इसको वाटर पैलेस बोलते हैं, वाटर पैलेस यानी कि ये फाउंटेन वगैरह फुवारे वगैरह जी, ये सब उसी टाइम के थे, तो जब है ना उस टाइम पे लाइट वगैरह नहीं हुआ करती थी, सारे फाउंटेन प्रेशर द्वारा चलते थे, तो यहाँ पे एक टैंक हुआ करता था वाटर टैंक, उससे प्रेशर द्वारा फाउंटेन चलाया करते थे। अभी क्या लाइट है, स्विच ऑफ ऑन करा लाइट से स्टार्ट हुआ था। उस बिल्डिंग को बोलते हैं म्यूजिक गैलरी, ड्रम हाउस, उस बिल्डिंग को वाली को बिल्डिंग को ड्रम हाउस बोलते हैं। जब शाहजहां आते थे उनका वेलकम के लिए यहाँ पर संगीत बजाया करता था, पर ये बंद है अभी। तो राइट में देख रहे हैं बड़ा सा बिल्डिंग जी जी, वो मेहमान खाना है, गेस्ट हाउस है, जो भी शाहजहां के जो भी गेस्ट वगैरह आया करते थे ओनली दिन में आया करते थे जी, रात को नहीं आया करते थे। रात को नहीं आया करते इसका रीजन है, मुमताज का क्या है, समाधि है। अच्छा अच्छा। क्यों? क्योंकि ये पैलेस, ये एरिया ग्रेवयार्ड है, ग्रेवयार्ड में मतलब कब्रिस्तान जी जी। क्योंकि यहाँ पर जो रहने का था ना, वो लिविंग जो करते थे वो आगरा फोर्ट में करते थे जी, ये ग्रेवयार्ड बनाया है, तो इसलिए ओनली डे में आते थे। ये लेफ्ट में देखेंगे मॉस्क है जी, इसको मॉस्क कहते हैं। हाँ, ये मॉस्क है, यहाँ पर नमाज होता है ओनली ओनली फ्राइडे को। अभी भी होता है क्या? अभी भी होता है, अभी ये 50 लोगों की परमिशन है, यहाँ पर नमाज हो रहा है कोविड के चक्कर में, और जो भी आगरा के लोकल पीपल है वो नमाज यहाँ पर अदा करते हैं, अभी बंद है जी। तो समाधि आपका ओरिजिनल है जी, जो असली समाधि है जो बंद है वो देखने नहीं देते, वो साल में 3 बार खुलता है, जब शाहजहां का डेथ एनिवर्सरी होता है जी जी। अभी जो खुला हुआ वो नकली खुला हुआ है,
जिसको देखने के लिए गवर्नमेंट ने टिकट लगा दिया अलग से 200 का जी। जिसको देखने के लिए 200 का टिकट है तो ऊपर जाएंगे, 50 का टिकट है ना ओनली बैक साइड यमुनानगर तक का जी। सर इसमें कुछ लिखा हुआ है ना अरबी में? ये अरबिक लेटर है, कुरान की आयतें हैं। जो मुस्लिम लोगों में कुरान होते हैं ना इसमें 14 चैप्टर लिखे हुए हैं जो डिफरेंट डिफरेंट आयतें दी गई हैं। जो नमाज होता है ना नमाज में जितनी भी आयतें पढ़ी जाती हैं ये सब आयतें लिखी हुई हैं। सूरह यासीन, सूरह फजर, ये चारों कुल, ये सारा आयतें लिखी गई हैं। और ये जितने रेड वाले फ्लावर देख रहे हैं ये सब स्टोन्स है। ये सब स्टोन्स यानी कि एक सेमी प्रेजेंट स्टोन्स होता है, जैसा होता है ना मुंसी हीरा पन्ना स्टोन, इसी टाइप के सारे स्टोन्स होते हैं रेड कॉरल यानी फ्रॉम ह्यूमन। ये व्हाइट मार्बल के अंदर कटिंग करके सारे स्टोन्स को फिक्स कर रखा था। यही चांदनी रात में चमकते हैं, जिसका टिकट 510 का है जी। नाइट व्यू आता जो जी, इसको मूनलाइट टिकट बोला था जी। 510 का टिकट है। ऐसे ही जो सबसे पहले जो मुगल में थे, सबसे पहले जो आते हैं बाबर आए थे जी। बाबर के बाद उनके बेटे थे हुमायूं, हुमायूं के जो बेटे थे अकबर जी, अकबर के बेटे थे जहांगीर जी, तो जहांगीर के बेटे थे शाहजहां। शाहजहां जो फिफ्थ मुगल बादशाह थे जिन्होंने ताजमहल बनाया था बेगम जी, उनकी याद में जी। तो शाहजहां के बेटे थे वो थे औरंगजेब, औरंगजेब के बेटे थे आपके बहादुर शाह जफर। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई थी उसका जो मुगल जी। तो ऐसे ये गार्डन में एक बॉक्स है, जब मुमताज की जब डेथ हुई थी तो उनकी डेड बॉडी को लेके यहाँ पर शिफ्ट करा गया था 6 महीने तक, तो उनकी बॉडी को लेके शिफ्ट कर दिया था वहाँ पर 6 महीने तक इस बॉक्स में रखा था बॉडी इस बॉक्स में। हाँ, क्योंकि ताजमहल का फाउंडेशन ना तैयार नहीं हुआ था, जब ताजमहल का फाउंडेशन तैयार हो गया था तो उनकी बॉडी को लेके शिफ्ट कर दिया, उसके ऊपर ताजमहल बनाते चले गए थे। सेकंड है क्या? हाँ, यहाँ पर टिकट लगता है अलग से 200 वाला। अच्छा 200 वाला यहाँ पे, हम तो 200 इस बॉक्स में है ना। मैं इस बॉक्स में 6 मंथ रखा गया था, मतलब आपने फर्स्ट एंगल से देखा था ना जी। आप देखिए चारों साइड का आपको ताजमहल एक जैसा सेम नजर आ गया, सिमेट्रिकल किसी भी एंगल से देखो एग्जैक्टली सेम नजर आएगा, मतलब चारों तरफ देखो तो चारों साइड से एग्जैक्टली सेम एक ही दिखाएगा। मतलब ये ताजमहल जो वर्ल्ड में जो फेमस है वो अपना 3 चीज से वेरी फेमस है। फर्स्ट है चारों साइड से आपको ताजमहल एक जैसा नजर आएगा जी। सेकंड जो उसका ब्यूटी है वो है सिंबल ऑफ लव, प्यार का निशान। जैसे आप लोगों ने सुना होगा शाहजहां ने बनवाने वालों के हाथ काट दिए गए थे जी, ये सब फेक स्टोरी है सर उनके हाथ। अच्छा, मतलब वो हमने बहुत सुना है सुना था, जैसे आपने स्ट्रीम में पड़ा हुआ हाथ काट दिए गए, ऐसा कुछ नहीं है। शाहजहां ने उन्हें इतना सारा पैसा दे दिया, एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कि आप कहीं भी ऐसा ताजमहल नहीं बना पाएंगे, हम आपको बहुत सारा पैसा देगा। तो शाहजहां ने इन्हें उतना सारा पैसा दिया तो उनकी सेम जनरेशन आज भी चलती है, आज भी यही वर्क होती है, आज भी राजस्थान मखराना से मार्बल आता है। ये जो बनाया वो किसने बनाया, कौन सा मिस्त्री बनाया था? इनके जो मेन जो आर्किटेक्ट थे मोहम्मद ईसा उस्ताद उफिंदो, जिन्होंने ताजमहल का नक्शा दिया था और जिन्होंने आयतें लिखी हुई अलग अलग। हाँ। उनका नाम था मोहम्मद अमानत खान सिराजी फ्रॉम ईरान, जो कि अलग अलग आर्किटेक्ट आए थे जिन्होंने पूरा ताजमहल नक्शा दिया था। और जो लेबर थी वो इंडियन लेबर थे, काम करने वाला। मैंने सुना ये जिनका काम किया गया वो पानी से ये नदी से लिया गया। और क्या सर, जितनी बिल्डिंग देखी होंगी ये सबसे बनाने में सबसे जरूरत क्या किस चीज की पड़ती है? पानी की, तो इसी से पानी तो लिया गया है। तो सामने ग्राउंड देख रहे सर जी, ये यमुना नदी है जो मथुरा होती है सीधे इलाहाबाद जाता है जी। इलाहाबाद में संगम होता है गंगा यमुना सरस्वती जी। ये सामने ग्राउंड भी देख रहे रेड वाला जी, वो सामने ग्राउंड जी जी, वो है ब्लैक ताजमहल का फाउंडेशन। यहाँ पर एक शाहजहां एक अपने लिए काला ताजमहल बनवाना चाहते थे खुद सेल्फ, शाहजहां की इच्छा थी। जो व्हाइट ताजमहल मैंने अपनी बेगम के लिए बनाया था, जब मेरी डेथ हो तो मेरी बॉडी को वहाँ पर शिफ्ट करा जाए ब्लैक ताजमहल के आगे। किसका बॉडी? किस जी? तो शाहजहां के बेटे थे ना औरंगजेब, औरंगजेब ने फादर को अरेस्ट कर लिया था आगरा फोर्ट में, उसका बेटी ने, उनके बेटे नहीं, उनके बेटे ने उन्हें अरेस्ट इसलिए करा था, इतना सारा पैसा खर्च कर रहे थे, सारा सिंहासन उठा रहे थे, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, प्लस ताजमहल। तो ताजमहल ना उस टाइम पर प्राइस था बेल्जियम तो और कॉस्टली बनता, तो इसलिए उनके बेटे ने काला ताजमहल नहीं बनने दिया। तो अभी गवर्नमेंट ने अपनी यूज में ले लिया जगह, इससे बोलते हैं मेहताब गार्डन। जो भी मूवी का शूटिंग होता ना वो सारा इधर ही होता है, उधर उधर। हाँ, उधर ही। जो भी आपने सॉन्ग सुनते होंगे, वीडियो देखते होंगे मूवी का, सारा उधर ही शूटिंग होता है। कहाँ से जाता है वो लोग? वो यहाँ से आगे से रास्ता फ्लाईओवर द्वारा यहाँ से जाके वहाँ से रास्ता, उसका टिकट है अभी 20 रुपए जी। गार्डन का वहाँ पे भी लोग जाता है? हाँ, जाते रहो, खड़े नहीं, देखो कितने लोग खड़े हुए हैं घूमने आए। यहाँ से व्यू आता है ना पूरा, डबल ताजमहल आता है वहाँ से। हाँ, एक नदी के अंदर पानी में आगा, सामने आगा, रिफ्लेक्शन पड़ता है ना पूरा।
पूरा रिफ्लेक्शन पड़ता था। अच्छा अच्छा, उधर जाने का अलग से रास्ता। अभी शाहजहान का कब्र कहाँ पे? शाहजहान मुमताज का अंदर में कब्र है। वो सोच रहा था उधर रहने के नहीं, वो ये उनकी इच्छा थी कि व्हाइट ताजमहल तो मैंने बना लिया, एक काला ताजमहल बनाऊं। उनके बेटे ने ना अरेस्ट कर लिया तो काला ताजमहल नहीं बन पाया। अभी ये ताजमहल तो सरकार के अंदर में? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सरकार के अंदर में जितना सब ले लिया है ना। तो रहेगा सर, लाइए फोटो लूँ यहाँ से आपको। ये मार्बल है ना? पूरा मार्बल, मार्बल है। संगे मार्बल बोलते हैं सर। संग मार्बल? हाँ, संगे मार्बल। इसको संग मार्बल बोलता है? सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। छुप छुपाए ऐसी जी हम न पाए, ऐसी जिंदगी हम छुप छुपाए हम न। कभी भी आइएगा तो आप पूरा दिन के लिए आइए, अच्छा होगा। पूरा देख पाओगी, पूरा ताजमहल देख पाओगी, घूम पाओगी।